ये जो रिंग जा रही है अमानतुल्ला खान को। हेलो, अमानतुल्ला खान बोल रहे। कौन बोल रहे? सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल के बिंदास बोल से बोल रहा हूँ। ये कौन है? ये न्यूज चैनल है अगर, अरे इसको सुन के तो नींद नहीं आती तुमको, और पूछ रहे कि कौन बोल रहे? ये कहाँ से आ गया? हेलो। हाँ हाँ सर, बात करनी है। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं सुरेश चौहान के, बोलिए। हाँ, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ वाह, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। इसका जवाब क्या देना है? दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं, लेकिन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मालिकुम सलाम कहिए, राम राम कहिए। जी वालेकुम अस्सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ, 2-4 भगवान और मेरे। कितने दिन बाद? आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं। आप पत्रकार नहीं है। मैं बोल रहा हूँ। कौन कह रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है, एजेंडा है पीछे। एजेंडा तो भगत सिंह की पत्रकार था, उनका भी था एजेंडा। लोकमान्य तिलक के बारे में बात करें तो भगत सिंह के क्यों जाते हैं? आपका मोदी का जो हम उस अधिकार को नहीं, आप ये कह रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं होते तो हम आपको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते। आप कुछ हैं इसलिए बुलाए हैं, लेकिन हम पत्रकार भी नहीं हैं। ये अगर आप कह रहे तो ये गलत। मैं कह रहा हूँ मैंने इस देश के हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति का इंटरव्यू किया है। आप जो इंटरव्यू, हर आइडियोलॉजी का, आपकी भी आइडियोलॉजी, उसका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछे हैं, जब जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसमें पता हो गया देश को, मैं कौन हूँ, आप कौन हूँ, आप किसके साथ हैं, किसके किस आइडियोलॉजी के साथ हैं, और जिस ऐसे व्यक्ति का भी कोई ह्यूमन एंगल होता है, मतलब जो दूसरे की ह्यूमन राइट छीन लेता है, उसकी ह्यूमन राइट कैसे? ह्यूमन एंगल होता है जी, अमर खालिद का ह्यूमन एंगल है। कैसे आप उसको समझते नहीं? एक बात को लेके आप बट 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 कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन प्रज्ञा ठाकुर? प्रज्ञा ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी। कौन दिया है चीट? झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। शी इज आउट ऑन बेल हेल्थ रीजन से, बेल पे बारी है। कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जो आदिवासी सी का प्रॉब्लम दिखता है आपको, नक्सल अफजल गुरु का ह्यूमन दिखता है। नहीं बोला मैंने, मेरे मुंह पे बात मार डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो साफ साफ बोल रहा हूँ। वो तो कैमरे रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड कर रहा है और वो भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। आप मेरा मुंह में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उमर खालिद के बारे में बात कर रहा हूँ, अफजल गुरु के बारे में बने। क्या अफजल गुरु के बारे में बात किया मैंने? नहीं किया ना। हाँ पूछिए। आप गौरी लंकेश भी बातचीत की पक्षधर थी, और उनके जाने के बाद आपने उनके लिए न्याय की बहुत बड़ी आवाज उठाई। तो अच्छा है, आवाज उठे। हिंदुत्व के नाम में जो आतंक फैला रहे इस देश में, उनके खिलाफ हूँ। एक घटना, बहुत घटना है यार, एक आध घटना। जो गाय के मारने वाले थे हिंदुत्व को, तो गाय नहीं था, पूछते भी नहीं है, किसी को मारते हैं, लिंचिंग करते हैं। एक भी घटना बहुत की सरकार के राज्य में भी सरकार कहाँ से आ गई? सरकार के बारे में कौन बात कर रहे हैं अभी? हाँ, आम आदमी, आम आदमी पार्टी अभी शुरू हुआ है। केजरीवाल, हाँ जी, ये पंजाब में प्रचार करने गया तो उस व्यक्ति के घर में इसने नाइट स्टे किया जो खालिस्तान समर्थक है। आपको पता नहीं, आप उसका प्रचार करने आए यहाँ पर? उनसे पूछिए ना, गलत है, गलत है। हाँ। तो इसलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ, अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। मतलब बचाव नहीं है, गले लगाया ना, बिरयानी खाया ना, हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना। अब कुछ गया था, ये भी गलत नहीं है। अब दोनों का इंसान है, इंसान है दोनों लोग। अब दोनों का पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खालिस्तानी का सोच जो है वो गलत है। इंसान इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। हाँ बस चलो। गले लगाया ना, बिरयानी खाया ना, हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना। अब कुछ गया था, ये भी गलत नहीं है। अब दोनों का इंसान है, इंसान है दोनों लोग। अब दोनों का पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खालिस्तानी का सोच जो है वो गलत है। इंसान इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। हाँ बस चलो। बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं?
बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15, 1947 है ना, जब स्वतंत्र हुआ ना, वहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग, भीख मांग रहे थे। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। पटेल जी जो है ना आरएसएस को बैन किए थे, आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस ने भीख मांगा, हम चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आप लोग मुझे पांच दी तो। ये लोग ने उनका पुतली बना दिया 3000 करोड़ का, उसके सामने से सेल्फी ले रहे हैं मोदी जी। भगत सिंह जो के नाम जो देशभक्त लोग आरएसएस लोग और बीजेपी लोग ले रहे ना, आपका नहीं है वो। उसको लव मार्क्स, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे वो, टोटली और इतना बोला आपका देशभक्त का पता है हमारे आंखों के सामने आप देशभक्त हैं। मुझे देशद्रोही मत करने की कोशिश करने को नहीं बोलो उनको। आप बोले, मैंने तो नहीं बोला। वो राष्ट्रभक्ति पहुंचाता है, संघ वो कट्टर राष्ट्रवाद लोगों के खून में डालता है, जो देश को समर्पित करने के लिए, जो देश को समर्पित होने के लिए खून ही करते हैं। एक भी घटना ऐसी तो संघ के बारे में हुई नहीं है, बहुत हो चुका है, आप एक नहीं माने, एक भी नहीं है ना। क्योंकि मैं तो आंकड़ों से बात कर सकता हूँ, मैं तो माइंड ब्लोइंग है आर्मी, पूरा पूरा से पूरा, पूरा से पूरा टॉप टू बॉटम है। आप हिंदुस्तान 24/7 चलेगा क्या ये इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी एक टाइम होगा। अच्छा ओके, क्यों क्यों अभी इतना बकवास सुनने का भी मुझे भी एक दो दिन होते हैं, भाई क्या करेंगे उनका एजेंडा। अगर बिका हुए की पता नहीं, खरीदा है की पता नहीं, क्योंकि आपकी प्रधानमंत्री ओपन तो कह रहे हैं 40 सीटों लोग मेरे साथ है। आपके क्यों, हमारे नहीं है, आपके नहीं है। अभी वो आप बीजेपी जैसे ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, बीजेपी वाला रहेगा तो मैं कांग्रेस वाले की तरह बात करूंगा, कांग्रेस वाला रहेगा। इतने देर आपसे बात करने के बाद मुझे देखिए, प्रकाश जी 1-to-1 में जो सामने होता है, जो सामने नहीं है उसको सुन रहे हैं उनको भी पता है, मुझे भी थोड़ा अकल है, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सोच है, मुझे भी पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट 1-to-1 में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका पक्ष रखना होता है। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को, जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं मुझे साफ नजर आ चुका। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है, वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदूवादी आइडियोलॉजी है। कितने दिन बाकी आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं? आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है, हिंदुस्तान है पीछे। चलो बेचारा आप भी चलो। चलिए, आपने समय निकाला और इस इंटरव्यू में टाइम दिया, इसके लिए कम से कम धन्यवाद तो करने का धैर्य रखिए। हाँ, इतना तो होना चाहिए। आपने मेरी मातृभाषा में डायलॉग मारा है, मेरी मातृभाषा में आपने डायलॉग मारा।